हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं गीतिका स्वागत करती हूँ आप सभी लोगों का मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। सो फ्रेंड्स, आज मैं चेक करने वाली हूँ कि ट्विन फ्लेम जर्नी जो हमारी चल रही है, स्पिरिचुअल जर्नी है, सो इसमें जो है अभी किस तरह की एनर्जीज चल रही हैं, या डिवाइन मास्कुलिन जो हैं उनके अंदर क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं, और वो इस टाइम पर किस तरह की उनकी एनर्जीज हैं, तो हम इसके ऊपर बात करेंगे। सो मेरे पास यहाँ पर कार्ड्स हैं फ्रेंड्स, तो मैं आप ही के सामने शफल करने जा रही हूँ इनको, और देखते हैं कि डिवाइन मास्कुलिन की एनर्जीज पहले हम चेक करते हैं कि डिवाइन मास्कुलिन इस टाइम पर क्या सोच रहे हैं और किस तरह की एनर्जीज हमें हैं। Please one give me the right energies for divine masculines. आई एम सो सॉरी फ्रेंड्स, मेरा गला थोड़ा सा ठीक नहीं चल रहा है। सो यहाँ पर मैं ये चीज़ देख रही हूँ कि बहुत ही मेजर ट्रांसफॉर्मेशन चल रही है इस टाइम पर डिवाइन मास्कुलिन की। और यहाँ पे मैं ये भी देख रही हूँ कि यहाँ पर ये जो इनकी पुरानी जो पेन है, किसी भी तरीके की पेन हो सकती है, ये फेमिनाइन से सोचते हैं कि मुझको पेन मिली है, या फिर इनके खुद के ही जो अंदर की जो पेन है, अपनी फैमिली को लेके, या अपने एनवायरनमेंट को लेके, या अपने वर्क को लेके, किसी भी तरह की जो पेन है, ये उस पेन से अभी अपने आप को जो है हील कर रहे हैं, अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं। और अगर इस कनेक्शन की मैं बात करूँ तो मैं यहाँ पर ये देख रही हूँ कि ये किसी ना किसी से ये एडवाइस लेते हुए दिखाई दे रहे हैं, ये किसी ना किसी से एडवाइस ले रहे हैं, या फिर ये किसी एक्शन के बारे में सोच रहे हैं, और ये लेकिन एक्शन लेने से पहले ये थोड़ा वेट कर रहे हैं। ओवरथिंकिंग में बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं मुझे, ओवरथिंकिंग कर रहे हैं बहुत ज़्यादा। और यहाँ पर मैं ये भी देख रही हूँ कि ये अपनी फेमिनाइन के साथ जो है नई शुरुआत करना चाहते हैं। दिस पर्सन वॉन्ट्स टू स्टार्ट टेक अ न्यू जर्नी, न्यू स्टार्ट, यहाँ पर फेमिनाइन के साथ ये न्यू स्टार्ट लेना चाहते हैं। और यहाँ पर मैं ये देख रही हूँ कि ये एक नई अपॉर्चुनिटी तलाश रहे हैं कि किस तरह से मैं अपनी फेमिनाइंस को जो है मैं ये लव ऑफ कप जो है वो ऑफर करूँ, और मैं यहाँ पर ये जो है एक क्लियर कट कम्युनिकेशन कर पाऊँ। तो इनकी इस तरह की एनर्जीज चल रही हैं फ्रेंड्स। सो अभी हम देखते हैं कि और क्या चल रहा है इनके दिमाग में या इनके दिल पे। ओके फ्रेंड्स, सो लेट्स चेक प्लीज डिवाइन गिव मी द मोर एनर्जीज ऑफ डिवाइन मास्कुलिन। अभी डिवाइन मास्कुलिन किस तरह का फील कर रहे हैं। ओके, सो मैं यहाँ पर ये देख रही हूँ कि डिवाइन मास्कुलिन जो है वो इस टाइम पर बहुत सारे रियलाइजेशन में है, इन्हें काफ़ी सारे रियलाइजेशन जो है वो हो रहे हैं, और ये बैठ के अभी भी वेट ही करे जा रहे हैं। ये ना तो डिवाइन फेमिनाइन को जो है जाने देना चाहते हैं, और ना तो ये पूरी तरह से कमिटमेंट ही देना चाह रहे हैं। ये इस तरह की एनर्जी दिखाई दे रही है मुझे, ये देख सकते हैं फ्रेंड्स आप। ये कमिटमेंट देना चाहते हैं लेकिन ये वेट कर रहे हैं, ये वेट करवा रहे हैं, ये वेट करवा रहे हैं। और ये बहुत ही मैच्योर पर्सन है, और यहाँ पर मैं देख रही हूँ वो मैरिज को लेकर जो है ये कमिटमेंट देना चाहते हैं, और ये एक लीप ऑफ फेथ अगेन लेना चाहते हैं, अगेन ये एक लीप ऑफ फेथ लेना चाहते हैं, अगेन ये एक नई शुरुआत करना चाहते हैं यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पर जो है ये फूल की एनर्जी है, फूल जो है एक नई शुरुआत, अगेन द लीप ऑफ फेथ ये लेना चाहते हैं इस कनेक्शन में। तो आइए कुछ और देखते हैं।
श्रीमान मुझे दिखाइए कि ये ओशो जेन से ये किस तरह की एनर्जीज में है, क्या सोच रहे हैं। स्ट्रेस ओ, ओ. या फ्रेंड्स सो मैंने यहाँ पर कार्ड्स कुछ लिए हैं। यहाँ पर मैं ये देख रही हूँ कि ये जो आपके पर्सन है ये बहुत ही जगल कर रहे हैं, खुद से ही ये फाइट कर रहे हैं। इस टाइम पे इनकी खुद से ही फाइट चल रही है, अपने माइंड से ये बहुत ज़्यादा फाइट कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर बहुत ही मेजर मेजर ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है। यहाँ पर बहुत ही मेजर मेजर ट्रांसफॉर्मेशन इनकी चल रही है। सो ये अपने ही माइंड से फाइट कर रहे हैं। इस टाइम पे इनकी एनर्जी बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस वाली है। डिवाइन मैस्कुलाइन्स आर इन वेरी मच स्ट्रेस। इन्हें नहीं समझ में आ रहा है कि ये किस तरह से हर चीज़ को हैंडल करें, लेकिन फिर भी ये कोशिश कर रहे हैं। और इंटेंसिटी, सो यहाँ पर बहुत सारे लोगों की जो है वो मुलाकात भी हो सकती है, क्योंकि इंटेंसिटी का कार्ड है। तो ये अपनी फेमिनाइन से बहुत जल्दी जल्द मिलना चाहते हैं, लेकिन ये चाहते हैं कि उससे पहले इनके जो फाइनेंसेस हैं वो जो हैं वो बैलेंस में आ जाएँ, चीज़ें बैलेंस में आ जाएँ। तो ये मूवमेंट टू मूवमेंट चल रहे हैं इस टाइम पर। ये बहुत ही एक एक कदम जो है ये आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। बहुत सोच समझ कर ये जो है वो स्टेप ले रहे हैं इस टाइम पर। और जो आपके डिवाइन मास्कुलाइन है वो इस टाइम पर ब्रेक थ्रू करना चाहते हैं। वो हर एक चीज़ को बोलना चाहते हैं, पर उनके लिए अभी ये पॉसिबल नहीं हो पा रहा है, क्योंकि यहाँ पर मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि इनके फाइनेंशियल इश्यूज अभी बहुत चल रहे हैं। दैट्स वाई ये चीज़ों को होल्ड पे रख रहे हैं। सो आइए ये देखते हैं कि मेजर आर्काना क्या कह रहा है डिवाइन मास्कुलाइन के लिए। प्लीज डिवाइन मुझे दिखाइए डिवाइन मास्कुलाइन के लिए क्या मेजर आर्काना है इस टाइम पर। मून एनर्जी। सो मैंने यहाँ पर दो कार्ड्स लिए हैं। यहाँ पर आया है टेम्परेंस एंड यहाँ पर आया है मून एनर्जी। तो यहाँ पर मैं ये देख रही हूँ कि जो डिवाइन मास्कुलाइन्स हैं इनको बहुत ही रियलाइजेशंस हो रहे हैं, और इनको इस टाइम पे बहुत ज़्यादा सैडनेस भी फील हो रही है। और यहाँ पर टेम्परेंस का कार्ड हमें ये दिखा रहा है कि ये अपनी जो खुद की इनर जो एनर्जीज हैं, मेल फीमेल एनर्जीज, इनको उस एनर्जीज को बैलेंस करने की यहाँ पर बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। टेम्परेंस का कार्ड यही दिखा रहा है, और टेम्परेंस का कार्ड ये भी दिखा रहा है कि यहाँ पर इन्हें एंजल के मैसेज दिए जा रहे हैं, डिवाइन के मैसेज इनको दिए जा रहे हैं, और ये उसी के अनुसार जो है अपनी लाइफ को आगे की तरफ बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। सो फ्रेंड्स यहाँ पर मेरे पास कुछ इनिशियल्स हैं, हम इनिशियल्स लेते हैं आपके पार्टनर के हिसाब से, आप देख लीजिएगा। कुछ नंबर्स भी आ सकते हैं यहाँ पर, या कुछ इनिशियल्स हो सकते हैं। उसके बाद हम कुछ मैसेजेस भी लेंगे, पर्सनल मैसेजेस के, आपके डिवाइन मास्कुलाइन जो है वो आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने जो इनिशियल्स लिए हैं वो मैं आपको दिखा देती हूँ। ओके, सो यहाँ पर जो है नंबर 1 है, हो सकता है कि आपका बर्थडे हो या उनका बर्थडे हो, ऐसा हो सकता है। और यहाँ पर H है, H किसी का नाम हो सकता है, जैसे M है, एंड यहाँ पर N भी है, यहाँ पे S है, और ओके यहाँ पर N है एंड यहाँ पर Z भी है, Z यहाँ पर 3 नंबर है, 3 नंबर B किसी का इनिशियल बी से हो सकता है, बी से किसी का नाम हो सकता है, एंड या सो दिस इज़ ए इनिशियल्स। और अब मैं देखती हूँ कि आपके डिवाइन मास्कुलाइन आपको जो है क्या मैसेज देना चाहते हैं। ओके, राइट एनर्जीज, कुछ कार्ड्स लेते हैं। ओके, सो यहाँ मैंने कार्ड्स निकाल लिए हैं। ओके, सो ये पर्सन आपको काफ़ी लविंग देखते हैं। दिस पर्सन इज़ थिंकिंग अबाउट यू व्हेन, सो ही थिंक दैट यू आर वेरी लविंग पर्सन, गिव ग्रैटिट्यूड। तो ये डिवाइन को ग्रैटिट्यूड दे रहे हैं, क्योंकि आप ही के द्वारा
इनको जो है हीलिंग मिल रही है, डिवाइन को ये ग्रेटिट्यूड दे रहे हैं, डे ड्रीमिंग हो रही है यहाँ पर, ये आपके बारे में काफ़ी सोचते रहते हैं और इन्हें ये धीरे धीरे समझ में आ रहा है कि ये एक स्पिरिचुअल पाथ है, ये जर्नी जो है वो इजी नहीं है। यहाँ पर वो आपके साथ न्यू बिगनिंग भी करना चाहते हैं, न्यू बिगनिंग का कार्ड आ रहा है यहाँ पे, और वो आपसे ये भी कहना चाहते हैं आई वॉन्ट यू ओनली यू। वो आपको बहुत ही ज़्यादा केयरिंग देखते हैं, अपनी फेमिनाइन को वो बहुत ही ज़्यादा केयरिंग देखते हैं। प्लीज़ डोंट लीव मी, ये आपसे ये भी कहना चाहते हैं प्लीज़ डोंट लीव मी। ओके, सो ये कुछ पर्सनल मैसेजेस थे आपके लिए आपके डिवाइन मास्कुलाइन की तरफ से। सो अब मैं देखना चाहूँगी कि एंजल आपको क्या मैसेज दे रही हैं डिवाइन मास्कुलाइन की तरफ से या डिवाइन की तरफ से, यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए क्या मैसेज आ रहा है। प्लीज़ डिवाइन मुझे दिखाइए। सो यहाँ जो एंजल का मैसेज आ रहा है आपके लिए वो आ रहा है अबंडेंस का। अबंडेंस, यदि आप कोई भी कार्य कर रहे हैं, जो डिवाइन मास्कुलिन है वो भी इस टाइम पे काफ़ी विजडम में आगे जा रहे हैं। सो यहाँ पर इनके पास भी अबंडेंस आता हुआ दिखाई दे रहा है। ये अपने काम में इस टाइम पे बहुत बिजी हैं, ये अपनी लाइफ को प्रोफेशनली ग्रो करने के रास्ते में हैं। डायरेक्शन इनको डिवाइन दे रहा है तो ये उस रास्ते पे चल रहे हैं और ये अबंडेंस की तरफ जा रहे हैं और ये चाहते हैं कि ये जल्द से जल्द जो है अपने अबंडेंस को सही करें ताकि ये अपनी फेमिनाइन के साथ जो है वो बैलेंस बिठा सकें। ठीक है फ्रेंड्स, सो ये थी मेरी रीडिंग आप लोगों के लिए कि आपके डिवाइन मास्कुलिन जो है वो इस टाइम पर क्या सोच रहे हैं। सो फ्रेंड्स, ये जर्नल रीडिंग्स होती हैं, जितनी आप लोगों से रेजोनेट करें आप उतनी ही लें और बाकी जो है लीव द रेस्ट। एंड पर्सनल रीडिंग्स के लिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं और मेरा नंबर जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होता है हमेशा, सो आप मुझे वहाँ पर कांटेक्ट कर सकते हैं। सो स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे सेफ एंड थैंक यू सो मच टू वॉच दिस वीडियो। काइंडली लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।